नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। भारत और चीन का डोकलाम विवाद तो आपको याद ही होगा, जो पूरे 73 दिन तक चलने के बाद फिर मात्र 3 घंटे की बातचीत से हल हो गया था। हल ये निकला था कि जो चीन युद्ध के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार था, उसकी सरकार ने डोकलाम से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था। लेकिन 73 दिन का समय किसी भी विवाद के लिए बहुत ज्यादा होता है। आपको पता है कि इन 73 दिनों में भारतीय सैनिक डोकलाम पर नजर कैसे रख रहे थे, कैसे अपने देश को सुरक्षित रखे हुए थे, या फिर 14 फरवरी साल 2019 को हुआ पुलवामा हमला भी कहां कोई भूल पाया है, जब हमने अपने 40 जवानों को खो दिया था। उसका बदला हमने भले ही ले लिया था, लेकिन उन 12 से 13 दिन के समय में जब हमने पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए तैयारियां की थी, उस दौरान पाक सीमा पर कैसे नजर रखी जा रही थी। तो इन सब सवालों के जवाब हमारे पास हैं, और ये जवाब दिए हैं देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने। डोकलाम विवाद और पुलवामा हमले से जुड़ी एक अहम जानकारी जनरल बिपिन रावत ने सभी देशवासियों के साथ साझा की है। उन्होंने बताया कि दोनों ही हालात में भारत ने नौसेना के P-8I पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान का इस्तेमाल किया था। जनरल बिपिन रावत ने बताया, चीन के साथ चले डोकलाम गतिरोध के दौरान भारत ने चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नौसेना का P-8I पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान तैनात किया था। सीरियस ने बताया कि डोकलाम गतिरोध के दौरान ही उन्हें नौसेना के P-8I प्लेन की क्षमता का पता चला। P-8I प्लेन को ही डोकलाम में गतिरोध के दौरान सीमा पर तैनात किया गया था। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तानी सैनिकों की गतिविधियों पर भी नजर रखने का काम P-8I विमान ने ही किया था। इस विमान की वजह से बॉर्डर्स पर हो रही गतिविधियों के बारे में सेना को पूरी पूरी जानकारी मिल रही थी, क्योंकि निगरानी करने के लिए विमान एक बेहतरीन विमान है, फिर चाहे निगरानी समुद्र की करनी हो या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की। रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन डीके शर्मा ने बताया कि इस विमान की तैनाती ही बड़े संकटों के दौरान थल सेना और नौसेना के बीच बेहतर तालमेल को दिखाती है। भारत इस विमान के लिए बोइंग का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक था। इसकी खासियतों के बारे में बात करें तो इस विमान ने सोवियत युग के TU-142 विमानों की जगह ली थी। इसे नौसेना में साल 2050 तक अपनी सेवाएं देनी है। दो कॉकपिट्स वाला ये प्लेन बेहद छोटे रनवे पर लैंड कर सकता है। पानी के अंदर पनडुब्बियों पर निशाना साधने में सक्षम टॉरपीडो से ये लेस होता है। इसके अलावा ये मिसाइलों, बमों और माइंस को भी लेकर चल सकता है। नौसेना ने P-8I बेड़े की तैनाती तमिलनाडु के राजाली नौसेना एयरबेस स्टेशन पर की थी। ये विमान 450 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाला विमान है, और निगरानी तो ये करता ही है, जिसका फायदा सेना ने उठाया, और पुलवामा और डोकलाम के दौरान यही विमान सेना के बहुत काम आया, और इसने पड़ोसियों की हरकतों पर नजर रखने का काम बखूबी किया। इस विमान को सबसे पहले साल 2013 में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था, और अभी भारत के पास ऐसे 8 विमान हैं। इसके अलावा जनरल बिपिन रावत ने यह भी बताया कि भारत जम्मू कश्मीर में अलग थिएटर कमान स्थापित करने की योजना बना रहा है। जनरल रावत के मुताबिक वायु रक्षा कमान अगले साल की शुरुआत में और पेनिसुलर कमान 2021 के अंत तक शुरू हो जाएगी, जिसके बाद से भारतीय वायुसेना भारतीय वायु रक्षा कमान के अधीन आएगी। इसके अलावा लंबी दूरी की सभी मिसाइलें और वायु रक्षा से जुड़ी संपत्ति भी इसी के दायरे में आएगी। आपको बता दें कि साल 2013 में 8 P-8I विमानों का नौसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद ऐसे 4 और विमान नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने हैं, जिसके लिए डील हुई थी साल 2016 में। रक्षा मंत्रालय ने 4 अतिरिक्त P-8I विमान का ऑर्डर दिया था, जो कि इस साल अप्रैल से मिलने लगेंगे। इसके अलावा पिछले साल से ही सरकार ने 6 P-8IS विमान की खरीद की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी थी। देखिए कैसे बढ़ा रहा भारत अपनी ताकत, कैसे मोदी सरकार दिनों दिन भारत को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। अपने कार्यकाल में मोदी सरकार अन्य देशों के साथ बहुत से रक्षा सौदे कर चुकी है, साथ ही रक्षा से जुड़े कई काम भारत सरकार मेक इन इंडिया के तहत अपने देश में ही कर ले रही है। बाकी कुछ सौदे अभी ऐसे हैं जिनकी डिलीवरी होनी अभी बाकी है।